हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ही वो शख्स थे जो तकरीबन दो कार्यकाल पूरे किए, लेकिन छह महीने के लगभग समय बाकी रह गया था और चेहरा बदल दिया गया था। जैसा अभी सुरेश बता रही थी कि आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह का फीडबैक था जिसके बाद ये चेहरा बदला गया था। लेकिन फिलहाल आज वोटिंग का दिन है, आज मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भी वोटिंग करने पहुंचे हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई थी काफी मनमोहक तस्वीर थी, जब रोहतक से आप देख रहे थे कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी वहां पर, हालांकि पुरुष वहां तो उस वक्त ही पहुंचे थे। तो मनोहर लाल खट्टर पहला वोट कास्ट हो चुका है, हमने वादा किया था आपसे कि पहला वोट कास्ट होती है आपको दिखाएंगे। ये जो स्याही लगी है उंगली पर, ये ताकत है हर नागरिक की हिंदुस्तान में, ये मजबूती देती है लोकतंत्र को। और सबसे पहले वोट कास्ट किया है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा है, हुजूम वहां पर आप देख पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इस चेहरे के इर्द गिर्द भी बहुत चुनाव रहा, उथल पुथल रही। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि आखिर क्यों आपने 9.5 साल सत्ता में रहे, सत्ता का चेहरा रहे, मुख्यमंत्री को बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर को इसलिए बदला गया कि आपकी सरकार वादे निभाने में नाकाम रही। क्या कहेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल वहां पर क्योंकि मीडिया का हुजूम है, भारी जमावड़ा है, सुनाते क्या कह रहे हैं इस वक्त मनोहर लाल खट्टर। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है। देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है, लगातार मैं आज यहाँ का तीन चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, दो विधानसभा के, एक लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। ऐसा बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान, योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्ता का, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरातफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है, पूरी अफरातफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे हैं हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल दो नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है, जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जो पता लगेगा आपको बताएंगे। मामा भाई, बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए। अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हीरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की, प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है,
हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी और गांव के लोगों के सिर चढ़ पर सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है। लेकिन वो बाज नहीं आए हैं जैसे पहले करते थे, वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन पहली अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएगी और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।